सफेद मंदिर पार्क दीनदयाल नगर आर्य समाज का 18वां वार्षिक उत्सव 3 दिवसीय रामकथा एवं वेद कथा के साथ आज सम्पन्न हुआ, जिसकी पूर्ण आहुति पंडित लाल किशोर शास्त्री एवं वैदिक विद्वान आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने संपन्न कराई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती आशा जैमनी ने की व मुख्य अतिथि उमेश चंद गुप्ता रहे। कार्यक्रम के उपरांत ऋषि लंगर में सभी अतिथि एवं आगंतुकों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। हमारे मंदिर में इस पार्षद कुछ समय उपस्थित हुए हैं, यजमान भी बने, उनका भी मैं अभिनंदन के लिए दोनों पति पत्नी को बुला रहा हूँ कि आगे आए और उमेश जी से और मंत्री से निवेदन करूंगा, प्रधान जी से, कि दोनों मिलकर के उनका अभिनंदन करेंगे। है चित्र सूचना भी हमारे आदरणीय जी ने दी है, कोई बहन जी किसी विकलांग के लिए ट्राई साइकिल देना चाहती है, उनकी मनोभावना है कि आर्य समाज की ओर से दी जाए, तो आर्य समाज के जो हमारे प्रधान जी हैं, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेहि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। महर्षि देवदयानंद महाराज की जय हो, गुरुवर विरजानंद महाराज की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय हो, योगेश्वर कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो, देश के अमर शहीदों की जय हो, देश की वीरांगनाओं की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, प्रणव ध्वनि। हमारा अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद। इस प्रोग्राम के बाद 3 दिन तक चली रामकथा की इस श्रृंखला में सहारनपुर से पधारे वैदिक विद्वान कथाकार आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमें भगवान राम के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जैसा त्याग, तपस्या, भाई प्रेम, माता पिता की आज्ञा का पालन व वचनबद्धता, यह हमको अपनाना चाहिए, तभी हम भगवान राम के सच्चे आराधक और मानने वाले होंगे। इस अवसर पर उमेश आर्य, महेंद्र यादव, शांति स्वरूप वाष्णेय, पुष्पा शर्मा, राम मुनि, डॉक्टर विनय, प्रभा गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम जितेंद्र आर्य। क्या कार्यक्रम किया गया आज? ये आर्य समाज वेद मंदिर पार्क दीनदयाल नगर का 18वां वार्षिक उत्सव है। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें राम कथा का आयोजन भी किया गया। ये दोनों सत्रों में 3 दिन तक चला और आज इसका समापन सत्र है। इस अवसर पर हमारे बीच में वैदिक विद्वान आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी और सुमधुर भजन गायक सुमित आर्य उपस्थित रहे। उन्होंने बहुत सुंदर हमें वेदों का ज्ञान देकर के और राम की कथा जो वास्तविक रूप है उसको हमें बता करके हमें लाभान्वित किया है। और इस अवसर पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जनसमूह उपस्थित रहा, जिन्होंने इसका लाभ उठाया और बहुत प्रसन्नचित होकर के अब ऋषि लंगर के उपरांत इस कार्यक्रम का समापन हुआ है।